नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। देखिए भी आज की वीडियो अपनी रहेगी जो अधीनस्थ बोर्ड की जो वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर जो 100 की स्पीड जो दिखाई गई है आपको कि 100 की स्पीड आपको लिखनी पड़ेगी आगे स्किल में जाके, तो 100 की स्पीड में बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है, पूछ रहे हैं कि सर 100 की स्पीड में पढ़ा नहीं जा रहा, लिखा नहीं जा रहा, क्या करें कि जिससे अपना जो 100 की स्पीड है वो अपने अच्छे तरीके से कवर कर लें, अपने अच्छे से पढ़ा जाए, सारा जो मैटर है वो कंप्लीट अच्छे से टाइप हो जाए ताकि आगे स्किल में कोई दिक्कत ना आए। तो उसके बारे में भी अपने आज बात करेंगे कि 100 की स्पीड है उसको आप कैसे आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, कैसे आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि 100 की स्पीड बहुत होती है भाई, 100 की स्पीड को अच्छे तरीके से अपने कब लिख पाएंगे? देखिए भाई, 100 की स्पीड स्टेनो की अपने अच्छे तरीके से तभी लिख पाएंगे जब अपने शब्द चिन्ह आउटलाइन सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। तो 100 की स्पीड के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है जिस चीज पे काम करने की है वो है आपके सबसे पहले शब्द चिन्हों पे। जो शब्द चिन्ह है आपके वो सारे 100 की स्पीड में लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शब्द चिन्ह उसके अंदर लगने चाहिए, तभी आपकी 100 की स्पीड है वो अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे। कोई विद्यार्थी ऐसा है कि जो शब्द चिन्ह यूज ही नहीं करते, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि शब्द चिन्ह यूज किए बिना ही वो लिखते हैं और उनकी स्पीड है वो नहीं बन पाती 100 की। तो 100 की स्पीड के लिए भाई साहब बहुत ही जरूरी है कि आपके जो शब्द चिन्ह है वो लगने चाहिए कंप्लीट अच्छे तरीके से। तो ज्यादा से ज्यादा 100 की स्पीड में शब्द चिन्ह लगाने की कोशिश कीजिए, बार बार एक रिकॉर्डिंग को बार बार लिखिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस की पकड़ है वो मजबूत हो जाए, शब्द चिन्ह अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको शब्द चिन्ह सारे लगाने हैं 100 की स्पीड में, तभी आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। दूसरी बात, आपकी राइटिंग, जो आप स्टेनो लिखते हो उसकी आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए भाई, आपके शब्द चिन्ह लगने चाहिए, मात्राएं सारी लगनी चाहिए, जो वर्डों की बनावट है वो अच्छे तरीके से होनी पाइए, तभी आप जो स्टेनो को ट्रांसलेट कर सकेंगे, तभी आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। वरना अगर आप शब्द चिन्ह नहीं लगाएंगे, मात्राएं नहीं लगाएंगे तो आपकी ना तो स्पीड बनेगी और अगर आप बाई चांस लिख भी दो तो आपको पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत आएगी भाई, ठीक है। तो आप शब्द चिन्हों पे और मात्राओं पे और प्लस आपकी जो राइटिंग है उस चीज को आप अच्छे तरीके से सुधार करें, और जो आपकी पेंसिल वगैरह उसको अच्छे तरीके से आप छील के रखें, उसमें भी आपका बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी पेंसिल अच्छी नहीं छीली गई तो आपसे लिखने में बहुत सारी दिक्कत आएगी। और 100 की स्पीड आप एकदम परफेक्ट तभी लिख पाओगे जब आप 104 या 108 के आसपास लिखोगे, तब आपकी जो 100 की स्पीड है वो अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे। तो जो विद्यार्थी 100 की स्पीड अच्छे तरीके से कर रहा है वो विद्यार्थी 104 108 के आसपास लिखें ताकि 100 एकदम अच्छे से लिखी जाए। तीसरी बात, इसमें जो आपका टाइमिंग रहेगा वो वहां पे रहेगा, आपके 70 मिनट आपको दिए जाएंगे टाइप करने के लिए स्टेनो में, तो आपकी जो टेस्ट है वो आपको अवश्य ज्वाइन करना चाहिए सभी विद्यार्थियों को, इससे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, आपकी टाइमिंग सुधार होगा कि आप कितनी मिनट में आप जो 1000 वर्ड है वो टाइप कर रहे हैं, कितनी मिनट आपको लग रही है, उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, यहां से आपकी टाइपिंग स्पीड भी 40-45 के आसपास होनी चाहिए, तभी आप वो जो ट्रांसलेट है वो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई शब्द चिन्ह और मात्राएं सारी लगनी चाहिए और वर्डों की बनावट अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी आप जो स्टेनो है वो आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, मात्राओं पे, शब्द चिन्हों पे, आपके वर्डों की बनावट पे, तभी आप 100 की स्पीड लिख पाएंगे और गलतियां हैं वो 100 के अंडर आप रख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।